दोस्तों, जय जयंवेड़ी परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेश कुमार गुजरात धांगध्रा से बोल रहा हूँ और हम तीन भाई है। मेरे पापा भी पीडब्ल्यूडी में वर्क करते थे और तीन भाई में सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं जब 18 साल का हो गया था तब मैं फौज में चला गया था। तो मैंने 18 साल में फौज में चला गया। इसके बाद फौज की नौकरी कर रहा था। तब 99 में मैं फौज में गया था और 2000 या 2002 में मैं मोटिवेशनल किताबें पढ़ता था। तब से मेरे को नौकरी पे तो था लेकिन कुछ करने का एक वो था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि नौकरी में पेमेंट जितना आता है उतना आता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है आपका। चाहे आप कितना भी नौकरी कितनी भी अच्छे हो कर लो या कितना भी नौकरी में कितना भी बड़ा काम कर लो, लेकिन तब मैं जब 2002 में वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा था, कुछ शिव खेड़ा की आपकी जीत भी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, डोनाल्ड ट्रम्प की और रॉबर्ट कियोसाकी की। तो मेरे को एक अंदर से ये था कि कुछ बहुत कुछ बड़ा करना है। लेकिन तब मैं फौज में था तो फौज में तो जो हमारा रूल रेगुलेशन होता है उसको हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए ज्यादा बाहर ना आ सकते थे ना जा सकते थे। लेकिन फिर भी मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया था, लेकिन फिर आरसीएम में भी काम नहीं कर पाया उस टाइम पे मैं। और हम तीन भाई है, उसमें सबसे बड़ा भाई बड़ा मैं था, मैं चला गया। छोटे दोनों इधर जॉब करते थे। और फिर मैं 2017 दिसंबर को रिटायर हुआ। रिटायर हुआ तो उससे पहले मैं 2017 दिसंबर के 15 या 16 तारीख के आसपास मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे ढूंढ रहा था कि कहीं जाके, क्योंकि मेरे को एक चीज पता चल गई थी कि सबसे अगर अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM, लोगों को जो जोड़ने वाला काम बोलते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और उसी में आपको बहुत आगे तक जा सकते हो। बाकी कोई ऐसी जॉब या ऐसी नौकरी जो मिल सकती है, क्योंकि इतना तो पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पास में फौज में चले गए थे। तो अभी कोई आने के बाद ये तो है नहीं कि हमारे को लाख 2 लाख की या 3 लाख की कोई जॉब दे दे। तो हमारे को तो वही है कि भी अगर कहीं भी अगर मिलेगी तो अगर आएंगे तो सिक्योरिटी जॉब मिलेगी या कहीं और जगह, यानी कि जो भी है सिक्योरिटी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा पहले ही था कि मेरा सपना था कि मैं कोई अच्छा काम करूं और बड़ा काम करूं। वो ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे और फेसबुक पे ढूंढते ढूंढते मेरे को ओम सर की इस पोस्ट मिली थी कि 2030 तक 1 रुपये बराबर 1 डॉलर आर्थिक आजादी। तो मैंने वो पोस्ट देखी, मैंने ओम सर कुछ से बात की, ओम सर से बात हुई तो ओम सर बोले बोला सर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैं फिर यहाँ से दिल्ली गया, वहाँ ओम सर, मुकेश सर और सतीश सर थे, उनके साथ सुबह उतरा, चाय नाश्ता किया और उस टाइम पे समझ के सर ने मेरे को डेमो भी दिखाया था और समझ के मैं सामान लेके और वापिस शाम को आ गया था। ठीक है, आने के बाद सर से और मेरी बातचीत चलती रही। तो मैंने फिर 1 लाख का सामान भी मंगवाया, मैंने बोला चलो। तो उस टाइम पे मेरे को ओम सर ने बोला था कि बोला आपको कुछ नहीं करना है, बोला 1 लाख रुपए का जो सामान आप ले जा रहे हो वो अपने घर पे रखना और आप मेरे को बुलाना और फिर बोला हम आगे काम करेंगे, कैसे काम करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं आया और आके ऐसे ही कर रहे थे। तब तक वो जो इससे पहले मैं आया आईएमसी का वो था कर रहा था, तो उसमें मेरे को दो तीन लोग मिल गए, बोला सर ये तो ऐसा है, बोला सर सामान ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ऐसा है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है, यानी कि
उस टाइम पे इतना जानता नहीं था, तो ना प्लान के बारे में पता था ना किसी के बारे में, तो मैं तो दिमाग हो गया आउट थोड़ा, तो मैंने वो कोई बात नहीं, तो फिर मैंने सर के फोन आते ही लेके सर को बुलाया भी नहीं। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, अगर मैं उस टाइम पे ओम सर को बुला लेता तो अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आती और मैं बहुत बड़ा कामयाबी का रास्ता पहुंच जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उनके उस बातों में आ गया तो नहीं कर पाया। और फिर दूसरा बात यह है कि मेरे को मनी सर्कुलेशन में काम करना तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे को पहले पता था कि इतना तो पता चल ही गया था जब वो मैं तो था उसमें कि मनी सर्कुलेशन में सिर्फ पैसे लेते हैं और बाकी कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो मनी सर्कुल क्योंकि मैं किसी का पैसा फंसाना नहीं चाहता था और कुछ नहीं करना चाहता था कि भाई किसी के लो लगाओ और अपना ऐसो आराम करो, क्योंकि मनी सर्कुलेशन में क्या होता है जो लगवाता है उसको तो ऐसो आराम हो जाता है, क्योंकि नीचे वाले के लगते जाते हैं वो कमाता जाता है, लेकिन नीचे वाला क्या क्या उसमें कई ऐसे हमारे जैसे गरीब भी लोग कई ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जिसको हम बोल भी देते हैं तो लगवा भी लेता है, लेकिन बोलते ने बोला दुआ से बदुआ सबसे बुरी चीज होती है, किसी की बदुआ नहीं लेनी है चाहे कितना भी करो। इसमें सबसे अच्छा यही काम है कि अगर किसी से हम अगर जाते किसी के पास, अगर किसी को बोलते हैं अगर वो हमारे से 2200 का सामान ले, चाहे 3000 का पैकेट ले, चाहे 5000 का पैकेट ले, चाहे 15000 का पैकेट ले, हम उसको उससे पैसे लेते हैं, हम उसको प्रोडक्ट देते हैं। मनी सर्कुलेशन में तो ऐसा है नहीं कुछ, वो तो सिर्फ आपको पैसे पैसे लेने हैं और उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो हमारे पैसे से दूसरे को पैसे देता है, तो कब तक चलेगा क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं। और ऐसी बद्दुआ कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे में चलता रहा और इसमें बीच में फिर जब अभी हमने चालू किया तो उस टाइम पे भी मेरे को ओम सर ने बोला था कि आप अपने धांगधा से शुरू करो इस बिजनेस को, लेकिन मैंने बोला सर हमारे दोस्त है दो, उनसे शुरू करते वो अच्छे नेटवर्कर भी है और थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने सर ने मेरे को बोला था सर ऐसा नहीं है, अगर चाहे आप किसी का भी कितना भी भला कर दोगे लेकिन वो कभी भी आपको सक्सेस आप उनको सक्सेस नहीं दिला पाओगे और ना ही वो कभी सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि आप उनका जितना भला चाहोगे वो सोचेंगे मेरा तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है, सब कुछ इनका लग रहा है, तो बोला अपने करते रहो चलते रहो। ठीक है, तो नेटवर्क में जब तक किसी का लगता नहीं है ना तब तक कोई काम सही ढंग से करता नहीं है, ये चीज तो मैंने पक्का देख ली है। तो फिर सर की फिर स्टोरी सर ने मेरे को बताई, ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हुआ था और ऐसे ऐसे मेरे को कोई बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है और ऐसा है। तो सर से जब से सर आने लग गए और जब से सर के साथ रह रहा हूँ तब तो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जैसे महाभारत में अर्जुन को जैसे कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय पढ़ा पढ़ा के जैसे तैयार किया था, ऐसे सर भी हमारे को हर बार आते हर बार कुछ कुछ बात बता के जाते हैं, हर बार करते थे और फोन पे भी बताते हैं। और सबसे बड़ी सबसे वो बात क्या है कि सबसे सबसे बड़ी मेरी गलती होती है मैं फोटो खींच के कभी ग्रुप में डालता ही नहीं हूँ, चाहे कितना भी सामान ले गए हो कुछ भी गए हो उससे बड़ी अच्छी डांट पड़ती है मेरे को, लेकिन गुरु की डांट हमेशा बोलते हैं ना हंस के सुन लेनी चाहिए, हंस के वो कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर गौर भी करना चाहिए। मेरे को कई बार वो भूल जाता हूँ, मेरे को बोलते बोला आप काम करते हो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो आते हो ठीक है, तब भी आप कभी फोटो नहीं डालते हो। मैंने बोला सर ये आदत ही नहीं थी फोटो डालने की कभी, क्योंकि फौज में रहा तब भी कभी फोटो नहीं डाली है, मेरी कोई भी फोटो ऐसी पुरानी आपको मिलेगी नहीं फौज के भी, और अभी भी ऐसी आदत नहीं है। तो मेरे बोला धीरे धीरे सीख जाएंगे, जब आप आते हो तब डालते हैं, कभी कभी सर मीटिंग लेते तभी भी मेरे को बोलते, उनको बोलना ही पड़ता है कि सर ये फोटो खींचो,
नहीं तो मैं भी उस मीटिंग में, क्योंकि सर मीटिंग लेते तब मैं वो देखता हूँ वो कौन किसके पास जाते हैं और कब कौन सी मीटिंग लेते हैं, वो देखना पड़ता है, क्योंकि सर का जहाँ भी जाते हैं वहाँ कभी किसी को अलग से दिखा दिया, कभी किसी को अलग से प्लान दिखा दिया। व्यापारी के पास गए तो उसको उस टाइप का प्लान दिखा दिया, तो वो चीज देखते रह जाते हैं, तो मेरे को टोकते रहते हैं कि सूरज भाई आप खड़े होकर ऐसे फोटो लो, बोला डालो ग्रुप में। तो सर के साथ काम करते और बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस जो शुरू किया उसमें, तो शुरू करते हैं आप कोई भी बिजनेस तो थोड़ा बहुत बिजनेस में अप डाउन चलता ही रहता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लो कि अगर हम अपने बच्चों को अगर 20 साल तक अगर पढ़ाते हैं तो उसमें हम पूरा खर्चा ही खर्चा करते हैं, उसमें हमारा कोई इनकम तो कुछ होती नहीं है। तो लेकिन 20 साल के बाद भी क्या पता कि वो बच्चा आगे जाके कोई जॉब करेगा या क्या करेगा, और जॉब भी करेगा तो वही बस 5-10 हज़ार की जॉब करेगा, या 20 हज़ार की करेगा, या 50 हज़ार की करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो हमारा इन्वेस्ट ही है। वैसे अगर बिजनेस में भी अगर हमारे को ऐसा थोड़ा अप डाउन होता है तो वो हमारा इन्वेस्ट है। तो उसको ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि 50 हज़ार लाख या 2 लाख का अगर नुकसान हो गया और हम सोचे हमारा तो यार ऐसे हो गया और अभी बिजनेस कैसे होगा, तो उसको 1-2 लाख को इन्वेस्ट मान के उसको फिर अगर अपना नए तरीके से बिजनेस को शुरू करो और दूसरी अच्छी तरह समझो कैसे करना है। नहीं जैसे मेरे को भी अभी मैं नहीं पता होता है, मैं मेरे को अगर कहीं भी दिक्कत आती है कुछ भी ऐसी होती है तो मैं सर को फोन कर देता हूँ कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है अभी क्या करूँ, क्योंकि मैं एमएलएम पहले करता था लेकिन एमएलएम की ना तो गहराई जानता था और ना ही कोई इतना समझाने वाला था। सिर्फ बोलते थे बोला एमएलएम में ऐसे करो, 1-2 को जोड़ो, 2 से 4 करो, 4 से 8 करो, 8 से 16 करो, बोला इतने करोड़ कमाओ, ये कमाओ वो कमाओ, सिर्फ बातें करते थे, बाकी कोई गहराई इतनी। और अभी भी कई कंपनियों में चल रहा है, आपको प्लान दिखाना आएगा ना तो सीधा बोलेंगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, सर आप इतने करोड़ कमा लोगे, लेकिन उसकी गहराई क्या है, उसमें कैसे करना है, वर्क क्या करना है, कोई इतना अच्छी तरह बताता ही नहीं है। और फोन करते तभी कभी तो कोई अगर अच्छा लीडर मिल गया तो उठा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फोन भी नहीं उठाते हैं, एक बार ज्वाइन हो गया काम खत्म। तो ऐसे कई जगह वो धोखे भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और धांगधा में जब से हमने स्टोर खोला है बहुत अच्छा रहा है, डेली ना डेली कोई ना कोई कस्टमर भी आते रहते हैं, और 1,000-2,000 का हम डेली सामान अपना प्रोडक्ट देते हैं। और नए सर ने बताया है कि जैसे कि नए नए लोगों से मिलते रहना, तो मैं नए नए लोगों से मिलते भी रहता हूँ, उनको समझाता वो, और अगर ऐसा लगता है तो जब सर आते हैं तब मैं सब लोगों को पास 1-to-1 या एक साथ इकट्ठे करा के एक बार सर को बताता हूँ, सर एक बार इनको पूरी प्लान की गहराई के बारे में बता दो, ताकि सर आते हैं तो वो बता देते हैं। और दूसरी बात फॉलो अप करना तो मेरी आदत थी नहीं सबसे पहले, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता था ऐसे। अभी सर पिछली बार जब सर आए तो मेरे को सर ने बोला बोला आपको हमारे एक उषा बहन है, उन्होंने नंबर दिया था रितेल बहन का, जिनके पास अभी अहमदाबाद में मैजिक कॉर्नर है, तो उनसे बात हुई। सर बोला बात हुई, मैंने बोला सर मैंने तो बात नहीं की, मैंने नंबर दिया है आपको मिलना चाहते हैं, तो रितेल बहन ने बोला ठीक है आ जाओ। तो उस टाइम पे भी मेरे को सर ने बोला कि बोला सर अगर किसी का भी नंबर आता है या कुछ भी होता है उनसे आपको बस इतनी बातें करनी है, हर कोई हो, ज्यादा तो आपको उनसे बातें नहीं करनी है, और उनके पास जाना है, बैठना है, फिर उनको प्लान समझाना है। तो ये आदत मेरे में तो बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि मैं ये सोचता था कभी नए बंदे से बात करूंगा हो सकता है वो मना भी कर दे, वो ऐसे भी बोले। तब सर ने बोला बोला कोई बात नहीं, देखो ज्यादा से ज्यादा 2 ही चीज होती है, या तो मना कर देगा या हाँ कर देगा, और मना कर देगा तो कोई बात नहीं, और हाँ कर देगा तो उसको जाकर मिल लेना, और मना कर देगा तो जिन जिनसे हमारे को कांटेक्ट हुआ था उनसे हम एक बार जाके बोलेंगे ऐसे ऐसे आपने दिया था तो उन्होंने ऐसे बोला है, तो वहीं से कुछ रिस्पॉन्स तो हमारे को मिलेगा ही। और दूसरी सबसे बड़ी थी कि मैं सर चले जाने के बाद किसी से बात ही नहीं करता था, यानी कि जो फॉलोअप वाली चीज होती है ना, सर यहाँ से सर होते तब तक तो मैं बात करता, सर जाने के बाद बात नहीं करता,
और सबसे बड़ी कमी थी मेरी ये कि जो फॉलोअप करना है और उनसे सबसे टच में रहना है, उनसे सबसे बात करना है, क्या कर रहे, चाहे कुछ भी मत करो कोई बात नहीं, अगर फोन नहीं उठा रहा तभी कोई बात नहीं, कम से कम बोला वो हमारे मिस कॉल तो देखेंगे। जैसे मैंने 4 साल काम नहीं किया, वो सर मेरे को डेली फोन करते रहते थे, वो मैं उठाता नहीं था, वो मिस कॉल तो मैं देखता ही था, फिर कभी बच्चों को देते जाता था, बोला जैसे आपने मेरे साथ हुआ है वैसे आपके साथ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बोला आप करते रहो, कभी ना कभी तो बोला उठाएंगे, कभी ना कभी तो बात करेंगे, तो फॉलोअप का बोला कभी नहीं भूलना है उनको, अगर जाने के बाद अगर चाहे कुछ भी बात हो बात करते रहना है उनको, तो बातें करते रहोगे तो अच्छा भी लगेगा, और उनको तो कुछ ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ भी होगा तो वो हमारे को बताएंगे भी कि ऐसा है सर, ऐसा है सर, इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है या ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा और उसमें बहुत बढ़िया है, जैसे कि हमारे को इन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, देखो पैसे में कोई भी संतुष्ट नहीं होता है, चाहे आप रतन टाटा को देख लो, चाहे अंबानी को देख लो, चाहे कोई भी, जितना पैसा है वो कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। अभी अंबानी को देख लो, अभी इतना पैसा है फिर भी उन्होंने रिलायंस फेस डाल दिया, उनको कुछ नए नए करते जा रहे हैं। तो हम भी अपने पैसे के बारे में ये नहीं कि हमारी जॉब लग गई, या जॉब के साथ साथ भी आप कर सकते हो, तो साइड बिजनेस है आपको, ये तो है नहीं कि जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, जॉब के साथ भी कर सकते हो। और मैं देखो अभी मैं खुद हूँ, अभी मेरे को अभी मैं अपना खुद का देखो, मेरा पेंशन आ रहा है, मेरा वाइफ टीचर है, हमारे 3 मकान है, 3 मकान का किराया भी आ रहा है, फिर भी मेरे को अभी कुछ ना कुछ करने की इच्छा जागती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो यानी कि ये संतुष्ट मान के नहीं बैठ जाना चाहिए कि ठीक है यार इतना आ रहा है, 2 वक्त रोटी तो कोई भी खा लेता है, वो तो अगर आप वही है कि रेलवे स्टेशन पे जाते हो जो मांगते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो भी 2 रोटी तो उनको भी मिल जाती है अगर शाम तक अगर वो कर लेते हैं तो अपने को कुछ नया करने का उत्सुक रहना चाहिए, और कैसे होगा उसको सीखने के बारे में भी होना चाहिए कि कैसे सीखा जाए, कैसे किया जाए। जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल अगर अभी हमने एक मोबाइल ले लिया तो ये तो है नहीं कि मोबाइल कंपनी तुरंत मोबाइल बंद कर देगी या नया नहीं बनाएगी या बोलेगी यही पीस हमारे को बेचना है, वो ये सोच रही होगी कि अभी 4G था तो अभी 5G, 5G शुरू होने वाला है तो 5G मोबाइल कैसे निकाले, उनको कैसे अपडेट वर्जन करे, तो कुछ नया नया सीखते रहते हैं और करते रहते हैं, तो हमारे को भी कुछ नया नया करते रहना चाहिए। तो और सर अभी जब बठिंडा में गए थे तब सर ने जो उद्घाटन किया वो संजय सर के स्टोर का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा उनका भी। लेकिन वो बठिंडा में जो उन्होंने उनका जो 10 साल का फॉलोअप था जो उन्होंने अभी किया और वो ज्वाइन हुआ, वो एक बड़ी हमारे सबके लिए एक सीखने वाली बात है कि सर ने कितने कितने साल तक फॉलोअप करते रहते हैं। हम तो 1 महीने अगर कोई फोन नहीं उठाते या 6 महीने कोई फोन नहीं उठाते तो हम ये सोच कर नाराज हो जाते हैं या बैठ जाते हैं कि यार अभी छोड़ो इसको, ये फोन नहीं उठा रहा हमारा, ठीक है, हम फिर उसको भूल जाते हैं। भूलना नहीं है किसी को, सर ने सबसे बड़ी अच्छी बात ये बताई है, किसी को नहीं भूलना है उसको, या मैसेज करते रहो या उसको फोन करते रहो, ज्यादा कुछ नहीं करते तो सुबह उठते उठते ही एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप अपना बना दो और उसमें गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दो, कम से कम उनके पास मैसेज जाएगा तो देखेंगे तो सही, देखेंगे तो उनके दिमाग में तो रहेगा कि नहीं ये उसका मैसेज है या उसका है, तो उसमें बहुत सीखने को मिलता है और बहुत बढ़िया रहता है। और अपनी गलती को कभी कहीं भी अगर गलती करते हैं तो उस गलती को ना सही व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए और सीखना चाहिए, ठीक है। दूसरा किसी बोलते हैं बोला किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करो लेकिन किसी अंधे के ऊपर विश्वास पक्का करो, क्योंकि आज तक अंधे आदमी का कभी भी आपने सुना भी होगा कि कहीं कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और ये भी नहीं है कि किसी उसके ऊपर आप जाके विश्वास कर लो कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही है, देखना तो
देखना तो पड़ता है सब जगह, अगर कुछ भी करना है तो परखना, देखना परखना पड़ता है। ठीक है, अभी कंपनी के दादाजी ने इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमारे को, इतना बड़ा अच्छा प्लान दिया है, अभी तक किसी भी कंपनी का प्लान नहीं है। मेरे पास तो नए कंपनी वाले भी आ गए, लेकिन मैं देखता हूँ किसी के पास ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है, और सब ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्लान अभी ज्यादा चल रहा है, किसी में प्रोडक्ट बेस में तो ऐसा प्लान है ही नहीं। इतना अच्छा आपको प्लान दिया, और 50% 50% अवेयरनेस, आजकल गवर्नमेंट ने भी पेंशन बंद कर दी है, वो 50% जो आप जितने भी लोगों को लाओगे उनका 50% आपको मिल रहा है। आप अपने अपने को छोड़ के आप अपने नीचे वालों को आगे ले जाने की कोशिश करो, अपने पे आके मत बैठ जाओ कि मैं ऐसे करूंगा, नहीं, नीचे वालों को आगे ले जाओ, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, क्योंकि नीचे वाले जितना भी कमाएंगे उसका आपको 50% मिल रहा है। आजकल गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, अभी तो हर जगह पेंशन बंद कर दिया, अभी सिर्फ फौज का इन्होंने शुरू रखा है, बाकी सबका बंद कर दिया। और दूसरा, दूसरे का ये नहीं है कि भाई मैं तो अमीर घर का आदमी हो या ऐसे है, मैं तो अपने पापा का बिजनेस है ये। आपके पास अभी दो उदाहरण हो गए, एक तो था अनिल अंबानी का, और दूसरा अभी आज न्यूज पे आप सुन सुन रहे होंगे, महाराष्ट्र के बड़े जो शिवसेना के अध्यक्ष है बाल ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से अभी शिंदे गुट के लोगों ने शिवसेना भी अभी वो कर लिए, और अभी मातोश्री मातोश्री के ऊपर भी अभी वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे पापा की और इसकी जायदाद है, हम तो अमीर घर के, लेकिन जो आपके बच्चे अगर इतने सीखेंगे नहीं और कुछ करेंगे नहीं, तो आपका चाहे कितनी भी जायदाद हो, किसी भी कितनी की जायदाद हो, कोई काम की नहीं है, वो सारी की सारी ऐसे चली जाएगी। क्योंकि जब तक आप बच्चों को भी सिखाओ कि ऐसे करना है ऐसे करना है, सारी चीजें। ठीक है, अभी भी मेरे कुछ अपने कुछ साथी आए हुए मेरे, तो उनको मैं बोलने का मौका दूंगा, तो हरेश पटेल का माइक अनम्यूट कर दो। हेलो हेलो, हाँ आवाज जी आ रही सर, है बोलिए। सबको? सबकी आवाज अगर मेरे को सुनाई पड़ रही है तो सब अपना अपना एक बार हैंड राइज करेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि सब लोग मीटिंग में जाग रहे हैं, वरना मेरे को ऐसा लगेगा कि सब सो गए हैं। प्लीज आपका हैंड राइज करिए हर एक का। ओके, अमित जी जग रहे हैं। अमित सिंह का एक हाई हैंड राइज हुआ है, बाकी का लोगों का हैंड राइज नहीं हुआ है। अगर मेरी आवाज सब तक आ रही है, ओके। अकोला जी, यस, वीओ, हिमांशु मिश्रा, सबका एक बार हैंड राइज हो जाए तो सब अवेयर है, ऐसा मेरे को समझ में आ जाएगा। मीटिंग में फिजिकली है। बसिंत जी, जय जेएमवीडी, अकोला अमित जी, प्रतापगढ़ से सरिता जी, जुम्मा जी, डॉक्टर अवतार सिंह, बाकी के लोग कहाँ है प्लीज बी अवेयर। कमलेश परमार जी वेलकम, कुशवंत जी, रानी सिंह जी, संदीप कुमार जी, अमित कुमार जी वेलकम, आप सब आ रहे हैं। ओके, अंकित सिंह, मनोज जी, प्रयागराज से मनोज कुमार, और लोग कहाँ है फ्रेंड्स? अगर हमें मीटिंग में आना है तो प्लीज बी अवेयर योर सेल्फ, आप आइए, मीटिंग अच्छी तरह से अटेंड कीजिए। अभी काफी लोगों का हैंड राइज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि मीटिंग स्टार्ट करके चले गए हैं। महेंद्र श्रीवास्तव जी वेलकम, मनोज कुमार आ गए हैं, जयराम जी आ चुके हैं, ओम सर आ चुके हैं, सुरेश जी आ चुके हैं, अपना हैंड राइज करिए फ्रेंड्स।
अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो हर लोग एंट्राइज कीजिए। अभी 50% एंट्राइज हुए हैं, बाकी के नहीं हुए हैं। सुरेश कुमार जी वेलकम। अभी और लोगों के एंट्राइज नहीं हुए हैं। मीटिंग में आने का मतलब है कि हमारा फिजिकली माइंडली सब मीटिंग अटेंड करते हैं, तो से 50% लोग नहीं आ चुके हैं। आरती जी, अमृतपाल कौर, अंकुर जी, अंकुर श्रीवास्तव, बलराम जी, ये जिसके मैं नाम ले रहा हूँ वो अभी तक मीटिंग में अटेंड नहीं है, या तो मेरी आवाज उसको सुनाई नहीं पड़ रही है। आरती जी आ चुके हैं, अमृतपाल सिंह, अंकुर जी, बलराम जी कुशवाहा से, महेश जी, मुकेश जी दिल्ली से, नौशाद जी प्रतापगढ़ से, अखिलेश जी, ये सब अभी तक उसके एड्रेस नहीं, उसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको मेरी आवाज नहीं आ रही है। नौशाद जी, आरती जी आ चुके हैं, अमृतपाल कौर आ चुके हैं, वेलकम। अंकुर श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज अब नहीं आ रही है। ब्रजेश जी, प्रयागराज जी अभी तक नहीं आए हैं, राम मूर्ति जी नहीं आए हैं, रमेश्वर जी प्रसाद नहीं आए हैं, संदेश जी नहीं आए हैं, विनीता जी राजपीत, विनोद कुमार जी, मेरी आवाज आ रही ना? तो चलो आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम टू ऑल द फ्रेंड्स, ओम जी, सुरेश जी, अमित जी, अमृतपाल जी, आरती जी एंड ऑल अवर फैमिली मेंबर्स। आई वेलकम मेरी आवाज सही से सुनाई रही है? हाँ जी सर, सही आ रही है, बोलिए। ओके राइट, मैं सभी अपने दोस्तों को ये जूम मीटिंग में वेलकम करता हूँ, सारे दिल से उसका स्वागत करता हूँ, और अभी अपनी एक मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुरेश जी ने जो अभी बात बताई, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, जो फौजी से लेके उसका जो जर्नी हुआ, उसने जो चीज हमें बताई बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया उसका। अभी कामयाबी, आज का जो शीर्षक दिया है, कामयाबी की भूख से मिटाने का मतलब है असफलता। तो अभी मैं ये असफलता से सफलता की ओर कैसे जा सकते हैं, उस बारे में थोड़ा मेरी ओर से आपका सुझाव रख रहा हूं। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जो चीज आज हम लेके बैठे हैं, उसमें हम कैसे सफल होना है, कैसे हम आगे बढ़ना है, उस सिलसिले में आज मैं आपको थोड़ा सबको गाइड करने जा रहा हूं। एक दिन ऐसा रहेगा, हमारे अगर मन में विश्वास है, ठोस उम्मीद लेकर हम बैठे हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से भी टकरा के फिर अपने पास वापस आना ही आना है। कोई कदम उठाने से पहले मन में अगर हमारा कि हम ये करेंगे, ये होगा तो जरूर होगा, अगर आप में आत्मबल विश्वास खुद पे नहीं है, तो कार वाले निकलोगे तो साथ नहीं चलेगा। पहली बात है कि मन में अटूट विश्वास किसी भी चीज का हो, चाहे ईश्वर पे भी हो, चाहे प्रोडक्ट पे हो, अगर हमारा विश्वास है अटूट कि भाई हमें कुछ करना है, कर गुजरना है, तो अगर मनोबल हमारा सही रहेगा तो हमें कोई नहीं रोक पाया, चाहे कामयाबी के शिखर से। अब असफलता वो चीज है जो हम उसको स्वीकार लेते हैं। अगर कोई लोग
उसको स्वीकार लेता है कि मैं आप असफल हूँ असफल हूँ असफल हूँ, तो समझ लो कि वो उसके दिमाग में घर कर जाती है। अगर वही सी जगह से बोलते हो कि मैं सफल हूँ सफल हूँ सफल हूँ, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मन में एक डर बैठ जाता है, हम कहीं भी कुछ भी काम करने के निकलते हैं कि मैं सफल हूंगा या नहीं हूंगा, तो वो जो हमारा मन में डर रहता है वो डर घर कर जाता है। तो वो डर को डर है वो अपना इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें वो निष्फल बना देता है। अगर वही डर को हम सबक सिखा देते हैं और डर को निकाल देते हैं, तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। जहां जाना है वहां जाइए, मंजिल आपकी ही होगी आपकी ही होगी। अभी मैं आपको बिजनेस का रूल्स दिखा रहा हूँ, बिजनेस का रूल समझा रहा हूँ। कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस का 4 पिलर्स रहता है। 4 पिलर्स यानी कि 4M से कोई भी चीज है वो 4M से बना हुआ है। वो 4M से ही सब कोई बिजनेस, चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा हो या चाहे छोटा से छोटा हो या मीडियम बिजनेस हो, उसके 4 पिलर्स में 4M वर्क करते हैं। पहला पिलर है मनी, मनी पावर। अगर किसी बंदे के पास मनी पावर नहीं है तो वो चाहे छोटा काम रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, बड़ा काम करना है तो भी नहीं करेगा, और उस खुद का इंडस्ट्री लगाना है तो भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इस पास मनी नहीं है। तो हमारी कंपनी में मनी सॉल्यूशन का एक ऐसा है कि मनी लगता है लेकिन कितना, चुटकी जितना, जितना हम जरूरत है उतना ही लगाना है। तो अपना पहला गोल है मनी पावर, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मनी अपने को बजट के हिसाब से चलना है। राशन की दुकान पे जाके उतना खर्च करता है, वही में अपना खुद का बिजनेस खड़ा होता है। दूसरा है मैन पावर, कोई भी इंडस्ट्री लगाना है उसमें मनी हो जाता है, तो मनी के बाद मैन की जरूरत पड़ती है, मैन पावर चाहिए सबको। अगर मैन पावर नहीं है और मनी लेके बैठा है तो काम नहीं हो पाएगा। मैं जो 4 पिलर की बात करने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिए, हर एक बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं आप और हर एक में कामयाब हो सकते हैं। मनी है किसी के पास लेकिन कोई चलाने के लिए व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है, तो वो नहीं चला सकता। किसी ने बोल दिया मैं मनी लगा देता हूँ, तुमको एक किट दे देता हूँ, तुम चलाओ, ले मैं दे देता हूँ, लेकिन कौन चलाएगा? आदमी नहीं है तो कुछ नहीं होता है। तो मनी आपके पास है, मैन पावर इसमें क्या लगता है, सिंगल मैन से चलता है, मतलब आप खुद मैन पावर हो जाते हो, आप खुद की मनी लगाते हो, 2 पिलर आपके मजबूत हो गए। अभी तीसरे पिलर पर चलते हैं, मैं वो है मैनेजमेंट पावर। मैनेजमेंट पावर का मतलब है कि आपने मनी लगा दिया, किट लाए, मैन पावर में खुद खड़े हो गए, अभी उसको मैनेजमेंट कैसे करना। मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री है वो चलाते हैं, तो उसमें से प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोडक्ट निकलने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है, कितना बनाना है, कहाँ बनाना, वो एक मैनेजमेंट हो जाता है। तो अगर मैनेजमेंट पावर आपका मजबूत नहीं है फिर भी आप नहीं चला सकते हो। अभी मैनेजमेंट आप खुद कर रहे हो कि मुझे आज सुबह 8 बजे निकलना है, घर से बाहर जाना है, 20 मैं ये कह रहा था आपको, सॉरी ये नेटवर्क की वजह से कुछ इश्यू हो रहा है आवाज का। मैं आपको ये कह रहा था कि मनी पावर आपके पास मजबूत है, मैन पावर मजबूत है, अभी मैनेजमेंट पावर आप खुद मैनेजमेंट कर सकते हो। मेरे प्रोडक्ट किट लिया, मेरे को कहाँ जाना है, किसको समझाना है, अगर वो मैनेज कर लिया तो आपका काम हो गया। और 4th पिलर है आपका है वो मशीन पावर। अगर आपने ये सब प्रोडक्ट के पीछे कोई चीज बना रहे उसके लिए मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी का तो जिम्मेदारी कंपनी ने खुद निकाल दी है। आप टेंशन मत लो, हम आपको रेडीमेड प्रोडक्ट करके देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो हमको तो ये एक तो हेडेक चला ही गया मशीन का, क्योंकि अभी कोई भी बिजनेस करना है तो मनी लगेगा, फिर मशीन लाएंगे, फिर मैन पावर रहेगा, और फिर सेलिंग के लिए निकलेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। ये 4 पावर में से अपना एक लेग तो
कंपनी ने ही कर दिया कि भाई मशीन हम लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रेडीमेड करके दे रहा है, आप मार्केट में जाओ मैनेजमेंट करो। देखो अभी अपना चारों पिलर मजबूत हो गए, चारों पिलर मजबूत होने के बाद हमारा रोल क्या आता है कि हमें करना है प्रोडक्ट का सेलिंग। अभी सुबह से या तो पूरे दिन भर का मैनेजमेंट बना लिया, कभी 30 लोगों का हमने एक लिस्ट बनाया है, उसमें कॉलिंग करना है। और कॉल करना भी एक कला है, आर्ट है, कैसे करना है कैसे समझाना। सीधा किसी को सुबह सुबह कॉल करके बोल दिया भाई फलाना मैं टिकना आवे थे मेरा प्रोडक्ट है ऐसा ऐसा, कभी किसी को ऐसे मत कॉल करो, उसमें नेगेटिविटी आएगी। कॉल करने जाते हो तो एक बात याद रखो कैसे कॉलिंग करना है, मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ, किसी को नोट करना है कर लीजिए और समझना है तो समझ लीजिए। किसी को हम कॉल कर रहे हैं तो हेलो सर मैं हरीश पटेल गुजरात से, क्या फिर उसके जो आदमी से है उसका नाम लेने का है कि हेलो मैं हरीश पटेल गुजरात से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात सुरेश जी से हो रही है? तो सामने से सुरेश जी बोलिए बोलेंगे हाँ जी मैं सुरेश जी बोल रहा हूँ। फिर बोलने का है कि सुरेश जी मैं कुछ थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आपके पास अभी सही समय है, क्या आप मेरे को थोड़ा समय दे सकते हैं? तो अगर वो बिजी रहेंगे तो बोलेंगे भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं मीटिंग में हूँ, तो फिर उसका टाइम मांगो, सर आप कितने बजे फ्री रहोगे? तो बोले मैं दिन को 3 बजे से 4 बजे के बीच फ्री हूँ। उसका नोट कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, सही वक्त पे सही टाइम पे सही अनुकूल समय पे किसी को कॉल करते हैं और अपॉइंटमेंट ये हो गया आपका तो बात करते हैं, तो उसको समझ में आएगा हाँ सुरेश जी मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाने वाले थे, तो आराम से आपकी बात सुनेंगे। ये तो उठाया कॉल और तुरंत का तुरंत बोल दिया कि ये कंपनी लेके आया हूँ ये ऐसा 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 है, तो बोले हाँ फिर बाद में आना, चलो अभी मेरे पास फुर्सत नहीं। आपका लाखों का सवाल, आपका लाखों का बोला हुआ शब्द हवा में उड़ जाता है। अभी आपने सही से टाइम ले लिया 3 से 4 के बीच और उसको कन्विंस कर लिया, बाद में आपको उसके टाइम पे कॉल करते हो तो फिर बोलना कि भाई हम ये कंपनी से आए हैं, ये कंपनी के बारे में मेरे को थोड़ा ये जानकारी देना, तो वो बोलेंगे हाँ जी बोलिए क्या है प्रोडक्ट आपका, फिर आपका प्रोडक्ट जो है उसके बारे में रिलेटेड समझाइए, यहाँ तो हो सकता है नियर बाय है और आप आस पास है कहीं जा सकते हैं तो टाइम ले लीजिए, सर मैं आपको कितने बजे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट देते हैं, तो बोले हाँ चलो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं साथ में बैठ के बातें करते हैं और वो टाइम ले लो। अब हुआ बात सेलिंग के लिए, अभी आप समझो सुरेश भाई ने टाइम ले लिया 3 से 4 बजे, सुरेश भाई एग्जैक्ट 3:05 उसके घर पे या तो ऑफिस पे पहुंच गए। अभी मुसीबत वहां कहां खड़ी होती है कि हम हमारा प्रोडक्ट अभी आया इंस्ट्रूमेंट लास्ट सेलिंग का, हम जो भी प्रोडक्ट जा रहे हैं वो बेचने के लिए जा रहे हैं, सेल करने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सीधा जाकर बोलेंगे कि भाई ये मैं ये आपको लेना है ऐसा ऐसा आएगा ऐसा ऐसा होगा ऐसा, जाइए कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ नाश मैंने आपको पहले भी बोला है सिर्फ नाश सुनने के लिए जाइए, वो आपको यही बोलेगा कि ये नहीं करना, कोई बात नहीं बिंदास होके जाइए। अभी समझाना है किस तरह से, वो नोट करना समझो कि जाके बैठो, वो सामने से बोलेंगे आइए सुरेश जी बैठिए थोड़ा शांति से बैठिए, वो कुछ सामने से बोलेंगे हाँ क्या सुना रहे थे, फिर भी आप बोलिए सर कैसा तबीयत है, क्या बच्चे लोग कर रहे हैं, कितने में पढ़ रहे हैं, एक फिजिकली रिलेशन बनाने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी आदमी आज हमारे पास भी आता है तो हमारा कुछ दुख दर्द बांटने की कोशिश करता है, हमारे साथ मिल जुलने की कोशिश करता है और हमसे घुल मिल जाना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा अपने को कुछ अपनापन दिखा रहा है और हमें भी ट्रस्ट रहेगा कि वो अपना है। अगर आपको सुरेश भाई को ऐसा लगा कि हाँ सुरेश भाई मेरे को बोल रहे हैं बच्चों का केयर कर रहे हैं कितने में पढ़ रहे हैं क्या क्या वगैरह पूछ रहे हैं, तो मानसिक वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, टच हो जाएगा, अभी कहा और सुरेश भाई से उसका कनेक्शन टच हो गया। अभी मूड मुद्दे पे धीरे धीरे होके आना है, प्रोडक्ट रिलेटेड उसको समझाना है। अभी लोग क्या करते हैं, जाके बोलना नहीं है, कम बोलो मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, तो बोलेगा हाँ ये सब प्रोडक्ट लेके तो भाई वो कंपनी आई थी ये, बस मेरा यह प्रोडक्ट करके छोड़ दो
या तो जब तक वो सामने वाला बंदा आपकी बात काट रहा है तो वहीं रुक जाओ, बोलने दो उसको। जब तक जी भरता है उसको कोई भी कंपनी का, वो नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, मेरा अच्छा है ये वो, बोलने दो, जितना बोलना है बोल दो। बोलने के बाद 10 सेकंड का वक्त दो, ब्रेक लगाओ, उसने पूरा शांत होने दो, फिर अपनी बात समझाओ कि भाई हाँ आप जो कंपनी का बोल रहे हैं या तो कर रहे हैं वो अच्छी कंपनी है, अपनी कंपनी का कोई बात नहीं है, तो आपकी कंपनी है वो सही है, लेकिन अगर मेरे पास एक कंपनी में ऐसा लाया हूँ, आप मैं यहाँ तक आया हूँ, आपने बुलाया है, अगर आप बोले तो थोड़ा वो रिलेटेड बात करते हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को ये बेचने के लिए नहीं आया, सिर्फ बात करने के लिए। वो बोलेगा हाँ चलो करिए, सामने से वो हाँ बोलेंगे तो आपकी बात सुनेगा, जैसे ही आपकी बात सुनता है तो धीरे धीरे करके बोलिए कि भाई मेरे इस दांत में दर्द था, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक ट्यूब आता है तो मैंने ऐसे लगाया, ना जाने क्या मालूम मेरे को, ये मेरे को भी मालूम नहीं था ये कंपनी वगैरह वगैरह आती है, मैंने बस ऐसी बातों बातों में एक फ्रेंड के पास से लगा लिया और मेरा ये चला गया तो मेरे को ठीक हो गया। अभी देखो ऐसे करके धीरे से हल्के से ट्यूब आगे लाओ, सामने रखो, वो भी बोला ये ट्यूब में क्या जादू है कि सुरेश भाई के दांत का दर्द चला गया, तो वो इंटरेस्ट लेगा भाई इसमें क्या है नई बात ऐसी कि जो मेरी वो कंपेयर करेगा उसकी प्रोडक्ट के सामने। आजकल बंदा हर एक कोई ना कोई नेटवर्क में जुड़ा है या तो उसको अवेयर है, भाई मैं वीडियो देखते हैं ये है वो है, सब उसको नॉलेज रहता है, क्योंकि आप जाकर नॉलेज दोगे ऐसा नहीं, आजकल वक्त ऐसा है कि सबको नॉलेज है, तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा, हाँ ये सुरेश भाई लाइए ट्यूब में क्या है ऐसा, फिर आप बताओ साथ में हाथ में लेके देखेगा ऐसा ऐसा, कोई पढ़ा लिखा रहेगा तो पूरा देखेगा, जांचेगा, समझेगा, फिर आप हल्के से बताओ कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें SLS नहीं है, तो बोले यार SLS क्या होता भाई, ये केमिकल है, वो एक जहर है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जाता है और पूरा धीरे धीरे करके हमारा शरीर को डैमेज करता, ये हमारी कंपनी में एक बेनिफिट दिया है, वही सोच कर मैंने यूज किया है, आप करो ऐसा मत बोलना, मैंने किया है मेरे को अच्छा लगा, साला जहर खाने से तो सही है कि ये ट्यूब लगा के देख ले, बस मैंने तो बातों बातों में फ्रेंड ने बताया मैंने यूज किया, तो मेरे को लगा कि सर चलो आपको भी ये बात बताऊं आपको शायद कैसी लगी, तो वो बोले ये सुरेश भाई काम करो ना ये ट्यूब मेरे को छोड़ के जाओ ना, सारा मिसिस के दांतों में दर्द था या मेरे बच्चे को दर्द है और मेरा भी ये डायना और दुख रहा, थोड़ा टेस्ट कर देखते हैं, आ गया बात आपको वहां जो आपको बोलना नहीं था, वही लोग वो बोल रहे हैं कि मेरे को देख के जाओ, कन्विंस हो गया। कोई लोग होंगे ऐसे कि जो बोलेंगे इधर उधर नेगेटिव, तो उसमें ये आपको पंक्ति बोल देता हूं, लोगों का काम है कहना, कहते ही है सुनना, लोगों का काम है कहना, कहना सुनना सुनाना, लोग तो कहते ही रहेंगे, हमें क्या करना है वो देखो, मतलब अपने आप हमारा रास्ता निकल के आ जाएगा। बोलते हैं कोई अच्छा तो भी ठीक है, कोई बुरा बोले तो भी ठीक है, दो चीज लेके जाओ पैरों में, गर्मी लेके जाओ आप फास्ट फास्ट भागोगे, दिमाग पे बर्फ का एक टुकड़ा रख के जाओ, दिमाग शांत रहे, चाहे वो कितना भी आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, तुम्हारा कंपनी ऐसा है वैसा है कुछ भी बोले, बर्फ की तरह अपना दिमाग शांत रखो, वो जो भी कहे अच्छा भले ले ना ले, हम बेचने के लिए नहीं जा रहे, पहले भी बोला है कि बेचने के लिए हम नहीं जा रहे, हरगिज नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उसकी ना सुन के वापस आना, लेकिन सुरेश भाई ने गए उसने सिर्फ बातें रखी, टूट पे सामने से मांगा, तो हमें तो बेचने न थे, उसने मांगा और हमने दिया, तो अगर बिक्री तो हो गया तो फिर हमको जो काम करना था तो क्यों बोले हमारा किट लो, एक टूथपेस्ट यूज करेगा, कल साबुन करेगा, कल वो बोले नहीं छोड़ो का दर्द है, सुरेश भाई क्या करे, अभी सुरेश भाई पे उसको ट्रस्ट आ गया। आप कभी भी किट बेचो, अभी कभी भी कुछ चीज मत बेचो, सिर्फ एक प्रोडक्ट गया दूसरा लाएगा, सामने से कॉल करेंगे सुरेश भाई अभी साला ऐसा ऐसा हो रहा है आपका क्या है सुझाव, थोड़ा आइए, सामने से वो आपको बोलेंगे, फिर आप बताओ कि हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा है, सब चीज है, ये प्लान है, दोबारा आज मीटिंग होगी तो बोलो हमारा ये प्लान है,
ये प्लान से हम ले रहे हैं तो इतने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है।